नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर टैपिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फेस क्लींजिंग की। मेकअप करने से पहले चेहरे की प्रॉपर साफ सफाई जरूरी है, जिसे 3 स्टेप्स में किया जाता है। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नाखून बड़े नहीं होने चाहिए और अपने हाथों को साफ व सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इन्फेक्शन का डर कम रहता है। फेस क्लींजिंग की सबसे पहली स्टेप है क्लींजिंग। इसे करने का उद्देश्य होता है चेहरे से धूल, मैल और डेड स्किन साफ करना। इसे करने के लिए फिंगर टिप्स पर क्लींजिंग मिक्स लीजिए और इसे फैलाते हुए पूरे चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उसके बाद इसे गीले कॉटन पैड से साफ कीजिए। क्लींजिंग का एक फायदा यह भी मिलता है कि धूल मिट्टी से बंद पड़े पोर्स खुल जाते हैं और आपकी स्किन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है। इसे पहले से अप्लाई किए हुए मेकअप को हटाने के लिए भी किया जाता है। इससे आपका चेहरा बहुत खिला खिला और आकर्षक दिखने लगता है। फेस क्लींजिंग की दूसरी स्टेप है टोनिंग। टोनिंग करने से चेहरे पर बची हुई धूल मिट्टी भी साफ होती है और स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन होता है। गुलाब जल बेस्ट नेचुरल टोनर है, जिसे अप्लाई करने के लिए कॉटन पर लेकर डैबिंग प्रोसेस से आंखों और लिप्स को छोड़कर पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेप कीजिए। मॉइस्चराइजिंग फेस क्लींजिंग की तीसरी स्टेप है। इससे चेहरे की प्राकृतिक नमी बनी रहती है, जिससे चेहरा सॉफ्ट और चमकदार बना रहता है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए इसे हाथों की उंगलियों पर लीजिए। अब इससे डॉट्स बनाते हुए इसे सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई कीजिए। यहाँ यह बात ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा मॉइस्चराइजर ना लगाएं, वरना यह आपके स्किन पोर्स को बंद कर सकता है, जिसके कारण ब्लैक हेड्स और पिंपल्स हो सकते हैं। इस तरह क्लींजिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसे एक दिन में 2 बार तक किया जाना चाहिए। हर शुक्रवार मेरे मेकअप टिप्स देखते रहने के लिए मुझे जयपुर टैपिंग सिटी चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लींजिंग का ये पूरा प्रोसीजर हमारी वेबसाइट jaipurtappingcity.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं।